Hello and good morning all of you. Welcome to the Disaster Management Series by Alpha ES Academy and we are at the lecture 5. अभी तक हम लोगों ने natural disasters पढ़े जो nature की वजह से आते हैं, लेकिन कुछ disasters हम अपनी वजह से भी करते हैं, ठीक है। जिंदगी में आपकी हालत जो होती है वो कुछ external factors की वजह से होती है और कुछ internal factors की वजह से होती है। तो आज हम वो internal factors पढ़ेंगे कि जो disasters हैं वो internal या man-made disaster कौन कौन से हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपको इस PPT चाहिए या इस PPT का पूरा मटेरियल चाहिए, पूरा मटेरियल हमारी साइट पे alphaes.com पे अवेलेबल है एकदम फ्री में एंड ऑल्सो इन आर ऑन आर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको कॉपी कर लें और पेस्ट करें और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी कभी भी कोई भी दिक्कत होती है यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, we really appreciate you watching this and we are very thankful to you. तो let's begin. तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डिजास्टर्स के बारे में, ठीक है। तो पहले केमिकल डिजास्टर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल्स हमारी बनाई हुई चीज़ है, नेचुरल तो है नहीं, और उसके चलते कई बार बहुत सारे डिजास्टर हो जाते हैं और वो डिज़ास्टर को कभी कभार इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, या इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से ही केमिकल डिजास्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम उसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स क्या हैं, दे कैन बी ड्यू टू एक्सप्लोजन, फायर, लीकेज ऑफ टॉक्सिक, ठीक है। या तो एक्सप्लोजन हो सकता है, या फायर हो सकती है, या लीकेज हो सकती है, ये अपने आप भी हो सकती है और किसी की फॉल्ट की वजह से भी हो सकती है, ऑफ टॉक्सिक और हैजार्डस केमिकल्स एंड लीड टू हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड मटेरियल, ठीक है। आपने देखा होगा हिरोशिमा नागासाकी में क्या हुआ, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद क्या हुआ, तो ये सब क्या थे, ये सब इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स है, ये सब केमिकल डिजास्टर्स है जिसने कि हमारी लाइफ कहीं बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दी। और उसके बाद जब कुछ हो जाता है उसके बाद तो हम प्लान और एक्शन ले ही लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी वर्क करें और अगर गलती से कुछ हो जाए तो मिटिगेटिंग फैक्टर्स पे भी वर्क करें। तो दोनों प्रिवेंटिव प्लस मिटिगेशन हमारा आइडिया होना चाहिए ह्यूमन मेड डिजास्टर्स में, ठीक है। कभी कभार फायर लग जाती है इंडस्ट्रीज में, उसकी वजह से हो जाता है, ह्यूमन एरर होता है, टेक्नोलॉजिकल ग्लिच आ जाते हैं, ठीक है, या टेक्नोलॉजी फेलियर हो गई, कहीं बिजली चली गई, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया। और जैसे जो तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट था, सुनामी आई, तो अब आप सुनामी जैसे डिजास्टर को रोक नहीं सकते या उसको बचा नहीं सकते, वो स्ट्रक्चर आपको वहीं खड़ा है। तो वही है कि आप रिएक्टर्स बंद कर दो, आप उसको सेफ जगह ले जाओ, भाई कितना भी हिट हो, पूरा नेस्ता नाबूद हो जाए, तो जो उसके रेडिएशंस हैं उनको रेडिएशन बॉक्स में आप डाल दो, चेक कर लो जो मटेरियल है, तो उस तरीके की आप कर सकते हो। लेकिन आप बोलो कि मैं सुनामी से पूरी बिल्डिंग को बचा लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट में कि जो हमारे एक्शंस हों वो फिजिबल हों, वो प्रैक्टिकल हों, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्ट क्या होता है किसी भी डिजास्टर का, जो इफेक्ट होगा वही होगा। ह्यूमन मेड डिजास्टर क्या होता है कि जो वहाँ पे उस फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। जो नियर बाय एरियाज में लोग होते हैं वो ज़्यादा बहुत इफेक्टेड होते हैं। जो इन्वायरमेंट आसपास का होता है वो पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है कि वाटर में लीकेज हो जाती है हैजार्डस केमिकल्स की, जिससे कि बहुत दूर तक वो हैजार्डस केमिकल चले जाता है ड्रिंकिंग वाटर लोग, और जो भी लोग उस पानी को यूज़ करते हैं वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है, या उनकी तबीयत खराब हो जाती है, या उनकी अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है केमिकल, क्योंकि केमिकल जो है वो कोई ऐसा नहीं कि वो टाइम के अकॉर्डिंग, उसको अगर ख़त्म भी होना है तो उसको बहुत टाइम लगेगा ख़त्म होने में, और तब तक वो बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। इसलिए वर्स्ट काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स हैं केमिकल डिज़ास्टर, न्यूक्लियर डिज़ास्टर या ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स आर दी वर्स्ट काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स, ठीक है। इनफैक्ट जो भोपाल में हुआ 1984 में, अबाउट 45 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो लीक हो गई थी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मिट्टी कैसे लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए। अगर ये बोला जाता है कि लोगों को ये पता होता कि गीला कपड़ा मुंह पे रख के तब सांस ले, तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जब गैस किसी मॉइस्चर या पानी में मिलती है तो वो शायद ऑक्सीडाइज हो जाती है या उसका जो इफेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले ही आपको देनी पड़ेगी लोगों को, तभी बच सकते हैं, बाद में नहीं। तो ये जब हम बाद में देखेंगे कि लोगों का जो अवेयरनेस है वो इस टाइप से होना चाहिए, पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बगल में कौन सी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या लीकेजेस आ सकती हैं, और अगर बाई चांस ऐसे लीकेज हो तो उससे कैसे बचा जाए, कितनी जल्दी भागा जाए, कौन सा मास्क यूज़ करना है, मास्क वितरण किए जाने चाहिए सरकार द्वारा,
है ना, गवर्नमेंट कैन टेक अप द स्टेप्स. इन सब से क्या होगा कि जब बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी लोगों को किसी भी डिजास्टर की, तो आप जो है उसको रोक सकते हैं ओवर द टाइम. ठीक है, भोपाल गैस स्ट्रेटजी में 2500 लोगों की डेथ हो गई थी. और जो केमिकल होते हैं वो हमारे बॉडी को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं. मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, इट कैन लीड टू इफेक्ट्स लाइक इट कैन लीड टू कैंसर, हार्ट फेलियर, ब्रेन डैमेज, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, डिफॉर्मेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन. बचपन से ही लोग बच्चे जो हैं थोड़े से अपंग या विकलांग रूप से पैदा होते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये सब जो बच्चे हैं ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ये बच्चे पैदा हुए हैं. ठीक है, और ऐसा कुछ मंजर था जब मिसाइल आइसोसाइनाइट लीक हुई थी भोपाल से, ऐसा ग्लास क्लाउड बना था. आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो है रेडिएशन का इफेक्ट देखा जा सकता है. 1940s में फोड़े गए थे वो बम और आज तक देखा जा सकता है. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ इफेक्ट केमिकल डिजास्टर्स कैन हैव. नेचुरल तो आपको एक बार मारेगा, केमिकल या मैन मेड डिजास्टर्स आपको बार बार मारते हैं, ओवर द जनरेशंस मारते हैं. ठीक है, तो बहुत ज़रूरी आता है कि आप जो है मैन मेड डिजास्टर्स को चेक में रखें. नाउ डिजास्टर रिस्क इन इंडिया, बहुत हाई रिस्क है इंडिया में. इनफैक्ट 130 केमिकल एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिस विच लेड टू 259 डेथ्स एंड 563 पीपल वर यू नो लेफ्ट विद द मेजर इंजरीज. एंड दिस इज़ नॉट डाटा बट वी आर सेइंग इट वाज अ डाटा गिवन बाय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना. जैसे 2022 में एक सचिन गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सूरत में जो था, वहाँ से जनवरी 6, 2022 को इलीगल डंप कर दिए गए केमिकल, हजार्डेड केमिकल वेस्ट ड्रेन में, जिससे कि जब वो ड्रेन में गया फ्यूम्स निकली, फ्यूम्स सूंघने से ही 20 लोगों की मृत्यु हो गई, सॉरी 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए. ठीक है, तो दैट इज़ द काइंड ऑफ इफेक्ट कि एकदम तुरंत इफेक्ट कर देता है केमिकल डिजास्टर. विशाखापट्टनम में अलोन, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, वहाँ पे अलोन अभी तक जो है वेरियस एक्सीडेंट्स हो चुके हैं जिसमें 27 डेथ्स हुई हैं. एंड उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो था वो एलजी पॉलीमर केस था 2020 का शायद, वहाँ पे जो है उसके चलते जो है 12 लोगों की डेथ हो गई थी क्योंकि एलजी एक प्लांट था, वहाँ से गैस लीक हो गई थी. तो यू नो दीज आर द एग्जांपल्स एंड इंडिया, इट शोज़ दैट इंडिया इज़ एट अ हायर रिस्क ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स, केमिकल डिजास्टर. एंड दस इट बिकम्स वेरी इंपेरेटिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर इट, हैव प्रॉपर सेफगार्ड्स इन प्लेस, हैव प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेज इन प्लेस, एंड यू नो हैव अ प्रॉपर गाइडलाइन टू टेकल विद दीज काइंड ऑफ डिजास्टर्स. दस केमिकल डिजास्टर जो है दो टाइप से इफेक्ट करते हैं, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोगों को इफेक्ट करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को भी इफेक्ट करते हैं, हमारे जो हैं ह्यूमंस, लाइफ स्टॉक्स, प्लांट्स, इन सबको लाइकली इफेक्ट करते हैं. ठीक है, जो जैसे डेथ हो सकती है, इंजरी हो सकती है, आपको डिजीज हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, डिसेबिलिटी पैदा हो सकती है. देन ऐसे ही इन्वायरमेंट में जो है पॉल्यूशन बढ़ सकता है, सॉइल, वाटर, एयर, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बढ़ सकता है. तो दैट इज़ हाउ केमिकल डिजास्टर अफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम. नाउ व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंडस्ट्रियल डिजास्टर. सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल लोग देखो, इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट पे काम करते हैं, मिनिमम मार्जिन पे काम करते हैं, जिस जो कि एक डिसइंसेंटिव है सेफगार्ड मेजर्स पे खर्च करने का. इनफैक्ट इंस्पेक्शन के टाइम भी ये पाया जाता है कि जो बेसिक फायर से लड़ने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए कंपनी या फैक्ट्रीज प्रेमाइसिस में, वो भी नहीं मिलते हैं. तो जो है कंप्लायंस बहुत पुअर है इंडिया में. ठीक है, और लिमिटेड इन्वेस्टिंग कैपेसिटी मेक्स इज मोर डिफिकल्ट फॉर दी कंपनीज टू इन्वेस्ट इन दी सेफगार्ड्स मैकेनिज्म्स. ठीक है, देन प्लांट्स आर, कुछ कंपनीज के प्लांट जो हैं वो एज हो रहे हैं तो कोई इंसेंटिव नहीं है कि उन्हें रिजुविनेट किया जाए या रिवैम करके नए आपके सॉल्यूशंस आए हैं, नए जो सॉल्यूशंस आए हैं उन्हें आप इंक्लूड कर सकें अपनी इंडस्ट्रीज में. देन बेसिकली जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें बट नॉन स्किल्ड और फॉर इनफॉर्मल टाइप के वर्कर्स वर्क करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहते हैं और उन्हें अवेयरनेस नहीं रखी कि हेलमेट्स पहनने हैं, PPE किट्स पहननी है, जो है उनको एट अ ग्रेटर रिस्क पे रखती है अगर कोई भी ऐसा हैजार्ड हो जाता है. ठीक है, देन देर इज़ लो लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेफ मशीनरी एंड अनसेफ प्रैक्टिसेस, कि अनसेफ प्रैक्टिसेस क्या हैं और मशीनरी की सेफ्टी क्या होती है. देन ऑफकोर्स पुअर मैनेजमेंट सिस्टम एंड पुअर रिपोर्टिंग सिस्टम एड्स टू द प्रॉब्लम. ठीक है, दस गवर्नमेंट का क्या रोल है. देखो एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लेबर जो है वो कंकरेंट लिस्ट में फॉल करता है. इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज दी सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉज ऑन इट.
प्रॉब्लम कहाँ आती है कि देर इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेजिस्लेशन. चलो उसको दूर करने के लिए वो लेबर कोड लिया है. अब मैं आपको बताऊँ, लेबर कोड के साथ भी लगभग लगभग 2 साल हो गए हैं उसे एक्ट बने हुए, वो जो बिल्स हैं वो पास हो चुके थे और अभी भी वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए हैं कई सारे स्टेट्स में, क्योंकि स्टेट्स जो हैं बोलते हैं अपनी बात बोलते हैं और सेंटर अपनी बात बोलता है और सेंटर जो है इट्स गोइंग ईजिली ऑन दी लॉज. तो अभी आप लगा लो कि इट इज़ बीन लाइक 2 ईयर्स आफ्टर दी लॉज वर पास्ड, दे वर गिवन कंसेंट बाई दी पार्लियामेंट एंड स्टिल दे आर पेंडिंग टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द स्टेट लेवल, है ना. तो दैट इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड और काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर डीलिंग विद, कि लॉज आने के बाद भी अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है. जिससे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेजिस्लेशन था जो कि एलिमिनेट किया गया था लेबर कोड से, बट वो अभी भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है. देन आप कभी कभार इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस में इतना हम लोग रिलैक्सेशन दे देते हैं कि सेफ्टी रूल्स नज़रअंदाज हो जाते हैं, ठीक है. देन देर इज़ अ इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट टू स्ट्रेंथन देयर लेबर ब्यूरो एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन यूनिट, क्योंकि हर स्टेट चाहता है कि हमारा इंडस्ट्री हो, तो वो लूज करते जाते हैं, डाइल्यूट करते जाते हैं लॉज को, लेबर लॉज को, सेफ्टी नॉर्म्स को. भाई जितनी सेफ्टी कम नॉर्म्स होंगी उतनी भाई इंडस्ट्री का तो मोटिव क्या है, उसका मोटिव है पैसा कमाना, उसको जितनी कम कॉस्टिंग लेगी. अब ये सेफ्टी मेजर्स करना, पीपीटी किट्स देना, ये सब उसके बिजनेस से अलग है, इससे उसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये उनके टाइप का सोशल कॉज है, ठीक है. तो ऐसा कर सकते हैं, उसको CSR में भी डाल सकते हैं, बट दैट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू डू इट, ओवर वी टू से, बट यू नो दैट्स अ काइंड ऑफ रिकमेंडेशन. इनफैक्ट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बोला है कि द नंबर ऑफ हैजार्डियस इंडस्ट्रीज इन द कंट्री इंक्रीज थ्री टाइम्स बढ़ गई है 1990 से 2010 तक. अब लगभग लगभग 36,000 इंडस्ट्रीज आर देयर इन इंडिया विच आर इन्वॉल्व्ड और विच कैन बी लेबल्ड एज हैजार्डियस इंडस्ट्रीज, ठीक है. देन फेलियर टू स्टॉप एनक्रोचमेंट. अब क्या होता है कि देखो इंडस्ट्री बनी, इंडस्ट्री तो अपनी सही जगह बनती है, लेकिन अब उसके अराउंड क्या होता है, दुकानें खुलनी चालू हो गई, दुकानें खुलनी चालू हो गई तो लेबर्स आ जाते हैं, जो वहाँ पे लेबर काम करते हैं उनके अगल बगल घर बना लेते हैं, तो क्या हुआ कि एनक्रोचमेंट हो गई, ठीक है. जो इसके अराउंड लोग रहते हैं दे ऑलवेज आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग अफेक्टेड बाई एनी मिसहैप हैपनिंग एट दिस प्रीमाइसिस. तो अब ये रहना तो इन्हें यहाँ इतनी दूर था उनकी सेफ्टी के, लेकिन यहीं रहने लग गए, तो इट पोजेस अ ग्रेटर रिस्क टू देयर लाइफ एंड इट कैन लीड टू देयर डेथ, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज, है ना. तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो एनक्रोचमेंट भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बफर जोन नहीं मिल पाते. देखो आपको जो भी हैजार्डियस जोन है यही इसका सॉल्यूशन भी है, और जो पॉपुलेशन है, जो भारी आबादी वाले क्षेत्र हैं उसमें के बीच में बफर होनी चाहिए, ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, है ना, कोई वॉल्स होनी चाहिए. तो जब एनक्रोचमेंट होता है तो ये सब चीज़ें जो है हट जाती हैं. देन व्हाट इज़ द मैनेजमेंट और द क्राइसिस केमिकल डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया. तो ऑफकोर्स हमारे प्यारे NDA में भैया यहाँ पे आएंगे. देन हमारे पास एक नेशनल एक्शन प्लान भी है, जिसको हम लोग नेशनल एक्शन प्लान ऑन केमिकल इंडस्ट्रीज डिजास्टर मैनेजमेंट NAPCDCIDM के नाम से जानते हैं, ठीक है. इनफैक्ट अभी NDA में वर्क कर रही है कि रिमैम किया जाए. पहले एक चीफ इंस्पेक्टरेट होता था फैक्ट्रीज का, जो ये कंप्लायंस देखता था, उसको हटा दिया गया था, कि उसको देखा जा रहा है कि उसको दोबारा रिवैम्प किया जाए. देन हमारी जो मल्टी वाली अप्रोच है, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी सेक्टोरल, पार्टिसिपेटरी, प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए. किसको डील करने के लिए, केमिकल डिजास्टर को डील करने के लिए हम प्रिपेयर रहनी चाहिए, और हमारा रिस्पॉन्स बड़ा स्विफ्ट एंड क्विक होना चाहिए इन सब केसेस में. देन हमारे पास NDMA की गाइडलाइन है ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2007 की, ठीक है. वो क्या कहती हैं, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड स्टेट अथॉरिटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर डिटेल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, ठीक है. DDMP जिसको बोलते हैं, या DDM बोल लो इसको, डिटेल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हर बनाए अपना अपना हर स्टेट. देखो न्यूक्लियर अलग है, केमिकल अलग है, हर चीज़ का एक प्लान होना चाहिए, हर चीज़ की SOP बनी होनी चाहिए. मैं आपको शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है. ये कॉमन पॉइंट्स है, चाहे डिजास्टर नेचुरल हो चाहे स्टेट का हो, ठीक है. देन दैट पर्टिकुलर गाइडलाइंस ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एक्सीडेंट्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, प्रिपेयरनेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैजार्डियस केमिकल्स, ठीक है. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है 2019 का. तो गाइडलाइन है केमिकल की 2007 की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है 2019 का, जो बात करता है कि पहले आप रिस्क को अंडरस्टैंड करें. थोड़ा सा मैच्योर हो गया 2019 में, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी ना. तो उसने बोला कि आप पहले रिस्क को अंडरस्टैंड करें कि किसी भी चीज़ का कितने लोगों को किस समय पे कितना इफेक्ट हो सकता है, ये आप स्टडी करें, आप डाटा रखें, प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, प्रॉपर रिसर्च करें, कौन सा केमिकल ज़्यादा हैजार्डियस है, कौन सा कम है, किसका क्या इफेक्ट होगा, किसका किस पे कितना इफेक्ट होगा. तो ये सब चीज़ें जो है पहले से प्रिपेयर रहनी चाहिए, ठीक है. उसी के अकॉर्डिंग हेल्थ SOPs भी बनाई जानी चाहिए. देन आप जोनिंग और मैपिंग करें इंडस्ट्रियल जोन की,
ठीक है, आपने बना दिया, ये इंडस्ट्रियल जोन बना दिया, तो कोशिश करेंगे एनक्रोचमेंट ना हो, और जो आबादी वाले क्षेत्र हैं या जो जहाँ लोग रहते हैं वो जो है थोड़ा दूर रहे इस चीज़ से, ठीक है। देन यू स्टडी दी वल्नरेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ की, अगर आपको लगता है कि कोई डिज़ास्टर हो जाता है और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के पास कैपेसिटी नहीं है उससे लड़ने की, तो उसको आप एनहांस करें, वल्नरेबिलिटी देखें कि कौन कितना वल्नरेबल है, ठीक है। और वल्नरेबिलिटी आपको एक एंगल से नहीं देखनी है, आपको सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, जेंडर, सोशल, हर तरीके से आपको जो है वो वल्नरेबिलिटी देखनी है। देन यू शुड प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये सब जो डिज़ास्टर होते हैं ये आदमी खुद नहीं कर सकता, इसके लिए जो है बड़े साइंटिस्ट लगते हैं, बड़े सारे रिसर्चर्स लगते हैं, एंड यू नीड टेक्निकल सपोर्ट टू डील विद इट, ठीक है। एंड देर शुड बी अ गाइडेंस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी एंड कैपेसिटी असेसमेंट, HRVCA, ठीक है। बड़े बड़े वर्ड्स हैं, ये सब फेंकने होते हैं, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग आपकी यही होनी चाहिए कि किसी भी हो, बस देखो चार पॉइंट तो हमेशा कॉमन रहेंगे किसी भी डिजास्टर डील करने के, जो दो तीन पॉइंट अलग से हैं ना वो आप बस चार अपने कॉमन तैयार कर लो, और तीन तीन जो हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डील करने के उससे पढ़ लो। देन इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। उसको वही मैंने आपको बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स होने चाहिए, और जितनी भी जैसे वार्निंग, जो भी वार्निंग्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, डाटा डिसेमिनेशन है, वो आपस में एजेंसीज में होता रहना चाहिए एट अ रेगुलर इंटरवल, या कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए उस चीज़ को लेके, संवाद खुला रहना चाहिए, ताकि और मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स या किसी भी जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको पता लग जाए कि हाँ भैया क्या करना क्या है, ठीक है। देन यू कैन इन्वेस्ट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वो भी आप दो टाइप से कर सकते हो, एक तो स्ट्रक्चर, एक नॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो आप, शेल्टर, इवैक्यूएशन, सपोर्ट फैसिलिटीज़ बना सकते हो, ठीक है। जैसे आपने एक घर के नीचे एक सुरंग बना दी न्यूक्लियर डिजास्टर से बचने के लिए, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल मेजर है, ठीक है। देन यू कैन प्लान मल्टीपल एस्केप रूट्स, ठीक है, एंड यू कैन मेक डी कंटेमिनेशन फैसिलिटीज़ की, ठीक है भाई, एक आपने कमरा बना दिया 100 लोगों का, अगर इसके अंदर ये कमरे को लॉक कर दिया जाए तो चाहे न्यूक्लियर हो चाहे कोई सा भी डिज़ास्टर हो, इसके अंदर गैसेज नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चरल मेजर्स ले सकते हो। नॉन स्ट्रक्चरल ज़्यादा हैं, नॉन स्ट्रक्चरल में सबसे पहले लीगल जो लॉज हैं, जो फैक्ट्रीज़ के नॉर्म्स हैं, आप उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, बफर जोन्स बनाएं ह्यूमन सेटलमेंट और इंडस्ट्रीज़ के बीच में, ठीक है। आप एम्पावर करें फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स को टू लीगल टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट दी नॉन एनी काइंड ऑफ नॉन कंप्लायंस इन केसेस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। और आप रिव्यू करें रूल्स को जो कंपनसेशन ग्रांट करते हैं, एंड इट शुड बी मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दी विक्टिम, की कोशिश करेंगे मिल ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिल सके किसको, विक्टिम को। देन एग्जिस्टिंग चैलेंजेस तो हाई हाई हैं जो हैं, ठीक है। देन एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एक एग्जिस्टिंग चैलेंज है, क्योंकि क्या है कि एनफोर्समेंट बहुत पुअर है इंडिया में, क्योंकि हमारे पास लेबर इंस्पेक्टर ही कितने हैं। अभी तो UPSC ने एग्ज़ाम लेना चालू ही किया है उसका, ठीक है, अभी किस बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा शायद, ठीक है। तो इतने लॉज होने के बाद भी उसका एनफोर्समेंट पुअर है, और उसका क्या क्या होता है, खामियाजा हमें किसी और दिन भुगतना पड़ता है, ठीक है। देन देर इज़ नो एडिक्वेट सेपरेशन ऑफ पैरामीटर्स, अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस फॉर सच डिजास्टर, एंड देर इज़ द लैक ऑफ लेजिस्लेशन ऑन रिस्क असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन, लेबलिंग, पैकेजिंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। जो केमिकल्स हैं उसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसको पैकेजिंग, उसका जैसे कोई भी बॉटल है, अगर आप रेड किल लेके आएंगे उसे पॉइजनस का वो लगा रहता है, तो आपको पता है कि ठीक है उसे खा नहीं लेना है, या उसको बच्चों से दूर रखना है, एक वार्निंग लिखी होती है। ऐसे ही जितने भी हैजार्डस मटेरियल होते हैं, कम से कम आप ये कर सकते हैं कि उनके ऊपर लेबलिंग करें प्रॉपर, उनका कंटेंट बताएं उसके अंदर क्या है और उसका क्या इफेक्ट है, कितना पॉइजनस है, या उसको जो है हवा में अगर आप छोड़ देंगे तो आग लग जाएगी। तो इस टाइप के अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ कहीं लिखा होता है ना ट्रक्स पे, तो उस टाइप के आपको जो है लेबलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा फिर केमिकल, उसमें पहले तो आप इन्वेंट्री बनाएं हैजार्डस केमिकल्स की, देखेंगे क्या क्या कौन कौन से केमिकल्स जो हैं हैजार्डस हैं। जैसे NDPS एक्ट में आपने पीछे शेड्यूल बना के ये लिख दिया ना कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं NDPS एक्ट के अंडर आएंगे, वैसे ही आप एक हैजार्डस केमिकल की लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से केमिकल जो हैं हैजार्डस हैं, उसका ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट है, उसका प्लांट्स पे क्या इफेक्ट है, उसका एनिमल्स पे क्या इफेक्ट है, और उसको अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो उससे निपटा कैसे जाए, ठीक है। देन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आप ऐसे बनाएं कि एक बफर जोन क्रिएट हो रेजिडेंशियल एरिया के बीच में, लोग जो है दूर रहे, ग्रीन बेल्ट बनाएं उसके बीच में, ठीक है। देन आप कम्युनिटी को प्रिपेयर करें, जैसे मैंने आपको बताया कि भोपाल गैस स्ट्रेटजी के दौरान अगर लोगों को ये पता होता कि गीला कपड़ा उनका अपने मुंह पे रखना तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी, तो आप इस टाइप की कम्युनिटी को प्रिपेयर करें। आप बताएंगे ठीक है भाई आपके जो है 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, बाई चांस उसके अंदर ये वाली केमिकल है, बाई चांस
आपको एक सायरन बजता है, जैसे आप वो सायरन सुनते हैं तो आपको जो है ये वाला हेलमेट पहन लेना है, या आपको गीला कपड़ा रखना है और गीला कपड़ा लेके भागना है, ठीक है, या कहीं छुप जाना है, या किसी पेड़ के पास चले जाना है, तो जो भी है वो आप उनको बताएं, उनको सिखाएं, ठीक है। देन अदर मेजर्स क्या ले सकते हैं आपकी, पहली बात तो आप लिमिट करें टॉक्सिक केमिकल्स का जो यूज़ है। देन यू कैन इम्प्रूव फायर फाइटिंग कैपेबिलिटीज़, वार्निंग सिस्टम्स को अच्छा कर सकते हो आप, है ना। और ये सब कब होगी, जब कंप्लायंस बढ़ेगा, ठीक है। कंप्लायंस कब बढ़ेगा, जब आप ह्यूमन रिसोर्स को आप स्किल और कैपेबल बनाएंगे और वो ईमानदारी से अपना काम करेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ जो है कनेक्टेड है, ठीक है। देन यू कैन डेवलप इमरजेंसी रिलीफ एंड इवैक्यूएशन प्लान फॉर एम्प्लॉयज़ एंड नियर बाई सेटलमेंट्स, है ना। आप इंश्योरेंस दें एम्प्लॉयज़ को, सराउंडिंग पॉपुलेशन को, जो कि मैंडेटरी भी है अब लॉ में, तो ये सब भी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। लीगल प्रोविजन्स की बात करें अगर, तो बहुत सारे हैं, दो में हमने डिवाइड कर लिया। प्री इंडिपेंडेंस में हमारे पास एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, पेट्रोलियम एक्ट 1934, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स आए 1986 में, जो कि सेट डिस्चार्ज और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से डील करते हैं। देन हमारे पास हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबॉर्डरी मूवमेंट रूल्स आए 1989 में। ये क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि आप जो है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को सबमिट करेंगे जो भी आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स आपने क्या लिए हैं, और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन सा एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये आप रिक्वायर्ड अथॉरिटी को जो है जमा करेंगे ये सब इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद एक मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स हैं 1989 के, तो वो बोलता है कि जो भी इंपोर्ट करेगा केमिकल वो फर्निश करेगा डिटेल्स अबाउट द प्रोडक्ट सेफ्टी, ठीक है, आप कौन सा केमिकल लेके आ रहे हैं टू द कंपेटेंट अथॉरिटी। देन देयर इज केमिकल एक्सीडेंट्स एमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स रूल्स 1996। अब देखो कोई पूछेगा कि यार इतने हम रूल्स लिखेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1989, मैन्युफैक्चर, चलो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, केमिकल एक्सीडेंट्स रूल्स 1996, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो केमिकल एक्सीडेंट रूल्स है क्या बोलते हैं कि आप एक सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप बनाओगे, एक क्राइसिस अलर्ट सिस्टम लगाओगे हर स्टेट में। देन फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट आया 1987 में, जिन्होंने कि कवर किया, पहले क्या था कि सिर्फ वर्कर को कवर करते थे, उसके बाद जो लाइबिलिटी थी वो जनरल पब्लिक जो कि फैक्ट्री के अराउंड है उसको, उस पे भी उसको भी कवर किया उसने, कि अगर उन्हें भी कुछ हो जाता है तो भी फैक्ट्री लायबल होगी, ठीक है। देन पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया 1991 में, जिसने नो फॉल्ट लाइबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली देखो नो फॉल्ट, देखो मैं लाइबिलिटीज़ के बारे में आपको समझा दूँ। नो फॉल्ट लाइबिलिटी क्या होती है, आपकी गलती हो ना हो, आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, आपकी नेग्लिजेंस थी या नहीं थी, आपको जो है कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि उसके अंडर भी दो टाइप की, नो फॉल्ट लाइबिलिटी के अंदर भी दो टाइप की लाइबिलिटी आती है, एक आती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एक आती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। पहले आई थी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ने बोला कि आप नेग्लिजेंट हो या ना हो, आपका वो काम करने के प्रति या आपका वो काम विलिंगनेस था नहीं था, वॉलंटरी था नहीं था, आप नेग्लिजेंट थे नहीं थे, आपका वो इंटेंशन था नहीं था, कुछ भी है, आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर वो गलती हो गई आपसे तो आप जो है कंपनसेशन पे करोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इंटेंशन एंड योर नेग्लिजेंस, ठीक है। ये थी बात किसकी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, उसमें कंपनसेशन पे आउट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट था वो केस में आया था रेलेंड वर्सेस फ्लेचर था, उसके केस में आया था। फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बोलती है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है हैजार्डियस सब्सटेंसेस से डील करती है, ठीक है, हैजार्डियस सब्सटेंसेस से डील करती है। तो ये वो भी यही बोलती है कि हैजार्डियस सब्सटेंसेस से अगर आप डील कर रहे हैं और वो लीक हो गया, तो वो किसी की गलती की वजह से हुआ या किसी की गलती की वजह से नहीं हुआ, अनइंटेंशनली हुआ, नेग्लिजेंटली हुआ या अननेग्लिजेंटली हुआ या कैसे भी हुआ, आपको जो है कंपनसेशन देना ही पड़ेगा विक्टिम को, ठीक है। और ये आया था एमसी मेहता, एक ओलियम गैस केस था, श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स केस से जो है ओलियम गैस लीक कर गई थी और एमसी मेहता ने फिर केस किए थे। एमसी मेहता बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इनफैक्ट अभी भी जिंदा हैं, लास्ट टाइम एक बार मैं उनसे अपने फैकल्टी में मिला भी था। तो उन्होंने जब केस किया ओलियम गैस लीक में, जो कि श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर से लीक हो गई थी, तब जो है इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंट्रोड्यूस किया था। एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी डील्स स्पेसिफिकली विद दी फैक्ट्रीज और दी एंटरप्राइजेस डीलिंग विद दी हैजार्डियस सब्सटेंसेस, ठीक है। नाउ दैट वाज हाउ दी नो फॉल्ट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और ये इनकी पूरी कहानी है, ठीक है। फिर एक इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 का,
जो कि इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड को देखता है। देन देयर इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताई दिया कि हमारे पास एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो कि ऑफकोर्स वो मल्टी वाली बात करता है, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी सेक्टोरल, प्रोएक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच, और जो प्रिपेयरनेस रिस्पॉन्स होना चाहिए वो आपका स्विफ्ट एंड क्विक होना चाहिए। तो ये तो बात थी किसकी, केमिकल डिजास्टर की। अब पढ़ते हैं हम लोग न्यूक्लियर डिजास्टर। तो ये बहुत सारे, देखो ये साइड में मैप है, है ना, ये मैप, ये कम से कम न्यूक्लियर जो सेंटर्स है उन्हें याद कर लेने से। अगर आपसे पूछूँ नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, अच्छा चलिए बताइए हरिपुर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। हरिपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, इस मैप में है, लेकिन आप मैप ना देखें मुझे ऐसे ही बताएं, ठीक है। तो न्यूक्लियर डिजास्टर, तो न्यूक्लियर डिजास्टर बड़ा भयंकर होता है भाई, ठीक है, क्योंकि रेडियोलॉजिकल वेव्स, सॉरी आपका हार्मफुल जो गैसेज होती हैं या रेडियोलॉजिकल वेव्स होती हैं वो उससे निकलती हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करती है और ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब होती है। हिरोशिमा और नागासाकी उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। और चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन में, देखो दुनिया का चक्कर गोर है, आज हम चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और अब उस पर जो है रशिया का कब्जा है दोबारा। तो फॉर्मरली वो सोवियत यूनियन में था, उसकी जब वो जहाँ पे जब वो एक्सीडेंट हुआ था 26 अप्रैल 1986 में, जब चेर्नोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब एक्सीडेंट हुआ था न्यूक्लियर, तब जो है वो सोवियत यूनियन के अंडर था और आज दोबारा वो रशिया के अंडर है, यूक्रेन के अंदर आज भी नहीं है। तो ऐसे ये तो ऑन लाइटर नोट था। तो न्यूक्लियर डिजास्टर होता क्या, न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी कैन अराइज इन अ न्यूक्लियर फैसिलिटी एट प्लांट लेवल लीडिंग टू अ प्लांट साइट और ऑफ साइट इमरजेंसी डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन द सराउंडिंग्स। जरूरी नहीं है नेगेटिव इफेक्ट हो, पर्ड इफेक्ट भी होता है। इनफैक्ट जब कुंडनकोलम तमिलनाडु में लगना था, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम जब वहाँ से जा रहे थे, कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थी, लेकिन उनको भी काले झंडे लगाए दिखाए गए थे उस टाइम। तो दैट इज़ दी, मतलब उतना डर था लोगों में कि उतनी बड़ी पर्सनैलिटी को भी काले झंडे दिखाए गए, ठीक है। बट उनका वो विजन था कि वो जानते थे कि इंडिया की जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है वो न्यूक्लियर में ही लाया करती है। अगर न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग नहीं बना पाए या हम उसको यूज़ नहीं कर पाए, तो इंडिया एनर्जी इंडिपेंडेंस कभी अचीव नहीं कर पाता। इनफैक्ट 2050 तक हमारा एम है कि जितनी भी हमारी एनर्जी नीड है 25% जो है उसका न्यूक्लियर से आए, ठीक है। तो इंडिया जो है ट्रेडिशनली भी बीन वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स जियोक्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। अब आ जाते हैं इम्पैक्ट क्या होता है, तो इकोलॉजिकल में क्या होगा, इट कैन लीड टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, सॉइल एंड एयर एंड वाइल्ड फूड सप्लाईज। इट कैन ऑल्टर योर जीन्स, है ना, आपके जीन्स ऑल्टर कर सकता है वाया म्यूटेशन, क्योंकि म्यूटेशंस रेडियोलॉजिकल जो वेव्स होती हैं, रेडियोलॉजिकल जो आपका रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेज होते हैं, इट हैज़ कैपेबिलिटी टू यू नो म्यूटेट योर जीन्स एंड सेल्स, इट कैन अफेक्ट योर सेल्स एंड इन दैट कॉन्सिक्वेंस इट कैन ऑल्टर योर जीन्स एंड दैट कैन लीड टू वेरियस काइंड्स ऑफ डिसएबिलिटीज एंड एबनॉर्मेलिटीज इन अन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक सीन इन दी आफ्टर मैथ ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी और दी आफ्टर मैथ ऑफ द बॉम्ब एक्सप्लोडेड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। देन रेडिएशन कैन डिवेलप हेल्थ इशू सच एज कैंसर, कैटरैक्ट, देन इट कैन लीड टू द डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इट कैन इनफैक्ट अफेक्ट एनिमल्स एंड क्रॉप्स टू। देन वट इज़ द न्यूक्लियर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, हाउ डू वी डू इट, तो एक हर किसी के बस का बात नहीं है, मैं और आपके बस की बात नहीं है, इसके लिए एक स्पेशलाइज एजेंसी हमने बनाई हुई है, दैट इज़ नोन एज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द नोडल एजेंसी टू डील विद एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है। नाउ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इन इंडिया हैव ऑल्सो यू नो वी हैव ऑल्सो अडॉप्टेड द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस, जो उनकी सेफ्टी गाइडलाइंस है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे एक IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ठीक है, और IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये भी जो है ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड जो है मॉनिटर करते रहते हैं न्यूक्लियर क्या फैसिलिटीज़ को, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी जब तक आपको वो एनर्जी यूज़ के लिए चाहिए तो उसको कम एनरिचमेंट करना पड़ता है, अगर आपको उसको वेपनाइज करना है तो उसको ज़्यादा आपको एनरिच करना पड़ता है। वही प्रॉब्लम आ रही ईरान के साथ, ईरान ने यूरेनियम को इतना तो एनरिच कर लिया है कि वो अपनी एनर्जी फुलफिलमेंट कर सकता है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, वेपनाइज करने के लिए उसको और एनरिच करना पड़ता है। तो US जो है हमेशा जोर में लगा रहता है कि वो इतना उसको एनरिच ना कर ले कि वो वेपनाइज कर सके यूरेनियम को या किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को। इनफैक्ट ज़्यादातर वेपन में जो है यूरेनियम ही इस्तेमाल होता है। खैर
उसको जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी देखती रहती है IAEA, और वो उसको मॉनिटर करती रहती है और वो हमारे प्लांट्स को मॉनिटर करती रहती है कि भाई हम इतना, हमारे पास तो हमने तो क्या इतना एनरिच कर रखा है कि हम उसको वेपनाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी तो फर्स्ट नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, हम कभी भी किसी के पे फर्स्ट यूज़ नहीं करते वेपन्स का, चाहे वो न्यूक्लियर हो चाहे वो नॉर्मल वेपन हो, ठीक है। देन देर इज समथिंग कॉल एज मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, है ना। इट इज़ अ पायलट एंड इनिशिएटिव टू इक्विप पुलिस एंड NDRF पर्सनल फॉर मैनेजमेंट ऑफ रेडियोलॉजिकल इमरजेंसीज इन पब्लिक डोमेन, क्योंकि इस टाइप की जो केमिकल इमरजेंसीज हो गई या आपकी न्यूक्लियर इमरजेंसीज हो गई, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। यू रिक्वायर एक्सपर्टाइज पर्सनल टू डील विद इट एंड पीपल नीड्स टू बी ट्रेंड, ठीक है। मान लिया, ठीक है, फ्लड आ गया पानी, एक मैं गांव में रहता हूँ तो मैं फ्लड से लोगों को निकाल सकता हूँ अगर मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे बस की नहीं। मैं मतलब मैं आपको अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे बस का भी नहीं कि मुझे पता नहीं कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बाद करना क्या है। तो यू नीड अ डेडिकेटेड फोर्स, और इफ नॉट अ डेडिकेटेड फोर्स हैज टू डिवेलप एक्सपर्टीज इन डीलिंग थिंग्स विद इट, एंड यू नो पर्टिकुलर साइंटिस्ट टीम ऑफ साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स शुड बी देयर इफ अ थिंग लाइक दैट हैपन्स। देन एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हमारे पास हमेशा रहते ही हैं, जो प्रॉब्लम रहती है कि कभी भी डिजास्टर आ सकता है या कुछ आ सकता है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि कल्पक्कम जो प्लांट था, जब तमिलनाडु में सुनामी आई, जब सुनामी आई 2004 में, तो उस कंपाउंड में पानी भर गया था एंड दैट वाज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू सुनामी। इनफैक्ट फ्रांस ने, और उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फ्रांस ने जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए हैं वो इतने मजबूत बना रखे हैं कि उन्होंने डाटा निकाला कि लास्ट 1000 साल में सबसे ज़्यादा मतलब खतरनाक अर्थक्वेक कितना है। मान लिया अगर वहाँ पे 7 का है तो उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग बना कि अगर 14 का भी आ जाए, वैसे 1 से 10 तक होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन मान लिया हाइपोथेटिकली 14 का भी आ जाए तो भी वो जो प्लांट्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे। तो दैट इज़ द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वी नीड टू हैव, वी नीड टू थिंक इट फ्रॉम अ फ्यूचर परस्पेक्टिव, बिकॉज यू नो दिस थिंग विल इवेंचुअली ग्रो, आप रोक नहीं सकते। द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज एनर्जी इंडिपेंडेंस लाई इन द न्यूक्लियर एनर्जी, इट विल डिवेलप, बट देन यू कैन नॉट स्टॉप इट, बट यू कैन ऑलवेज टेक द प्रिवेंटिव साइड। एंड आप देख सकते हो कि कोई भी डिजास्टर ना हो, डिजास्टर हो तो वो कम से कम लोगों को इफेक्ट करे, ठीक है। देन मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि आप इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन लें न्यूक्लियर एनर्जी पे, समझें उसका इफेक्ट, समझें लोगों पे, बायोडाइवर्सिटी पे, इकोसिस्टम पे, और तब आप डिसीजन लें कोई भी। यू कैन यूज़ प्रोएक्टिव प्लानिंग स्ट्रैटेजीज, आप प्रिपेयर्ड रहें पहले से अगर कोई हादसा ऐसा हो जाता है। देन यू कैन डिवेलप अ कोहेरेंट रिसर्च एजेंडा ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, की मतलब करना क्या है बाद में आपको वो पता होना चाहिए, एक SOP होना चाहिए। और पीपल को आप बचा सकते हैं 4 वेज से, है ना। पहले तो आप क्या होता है कि रेडिएशन का लिमिट, जो एक्सपोजर टाइम है वो बड़ा डिपेंड, वो बड़ा इफेक्ट करता है लोगों को। मान लिया हल्की सी रेडिएशन से इफेक्ट हुए तो लग रहा है आपको यही जला, पर लग रहा है आपको घंटे भर उस रेडिएशन में छोड़ा तो आपका पूरा शरीर जल जाएगा। मान लीजिए 30 सेकंड में छोड़ा तो मेरा गाल जला या मेरा हल्का सा हाथ में हाथ जल गया। तो यू कैन, यू नो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी टू लिमिट द टाइम अ पर्सन इज एक्सपोज टू अ पर्टिकुलर रेडिएशन, ठीक है। देन डिस्टेंस शुड बी देयर, जितनी दूर होंगे आप सोर्स से उतना कम इफेक्ट होगा। देन शील्डिंग आप यूज़ कर सकते हो, बैरियर्स बना सकते हो। इट हैज़ बीन सीन दैट लेड, कंक्रीट एंड वाटर गिव्स गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाई लेवल ऑफ कंटेमिनेशन और रेडिएशन। देन कंटेनमेंट जोन बना सकते हो, आप जो है आप कंटेन कर सकते हो किसको, हाईली जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है कम से कम उनके अराउंड ऐसे कंटेनर्स हों कि उससे वो बाहर ना निकल सके, एंड यू कैन कीप योर वर्क प्लेस एंड एनवायरमेंट सेफ इन दैट वे। सो दैट वॉज ऑल इन दी मैन मेड डिजास्टर वी हैव स्टार्टेड एंड वील सी मोर इन कमिंग डेज। फॉर मोर नोट्स एंड मोर अपडेट्स प्लीज फॉलो आर साइट alphaes.com एंड और आर यूट्यूब चैनल alphaes academy, और यू कैन ऑल्सो विजिट आर टेलीग्राम चैनल, लिंक ऑफ ऑल आर गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी, एंड वी शैल सी यू सून। बाय बाय।